थाना टोड़ी फतेहपुर के प्रभारी अजमेर सिंह भदौरिया अपने हमराहियों के साथ ग्राम ककवारा में दबिश देने के लिए गए थे, जहां से वापस होते समय जैसे ही मऊरानीपुर गुरुसराया सड़क पर ग्राम रेवन में महिवा प्लांट के पास पहुंचे ही थे कि सामने से आ रहे वाहन की रोशनी की चकाचौंध में सड़क पर आंधी से गिरे पेड़ से गाड़ी जा टकराई और अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें थाना अध्यक्ष अजमेर सिंह भदौरिया, चालक रामपाल पुत्र मुल्ला, महिला सिपाही सोनम जादौन पुत्री रुकमपाल जादौन, सिपाही सत्यवीर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह एवं संदीप यादव पुत्र रणधीर यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें आनन फानन में राहगीरों की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद थाना अध्यक्ष अजमेर सिंह भदौरिया, महिला सिपाही सोनम जादौन, चालक रामपाल एवं सिपाही संदीप यादव को चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया।